हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा ब्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो आप देख सकते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं और आज सैटरडे है तो हम जा रहे हैं डी मार्ट, क्योंकि संडे को डी मार्ट में बहुत ज़्यादा होती है भीड़। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है हमारा सनिचरी बाज़ार, क्योंकि आपने सुना होगा कि हर गाँव में कोई ना कोई डे को मार्केट लगती है। तो हमारे दुर्ग में यहाँ शनिवार के दिन मार्केट लगती है, इसीलिए इसे सनिचरी बाज़ार भी कहते हैं। शनिवार के दिन इस रोड में बहुत ही ज़्यादा रश होता है और आसपास के लोग यहाँ आकर अपना सामान बेचते हैं। अगर आप किसी गांव के मार्केट पे गए होंगे तो जो चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिली होगी तो वहीं सभी चीज़ें आपको शनिवार के दिन यहाँ पर दुर्ग के मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो गाइस, आप भी देखिए कि हमारे दुर्ग में सैटरडे का मार्केट कैसा होता है। चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग और मैं हूँ रिचा। तो आपने जो कल की क्लिप देखी वो कल की वीडियो है और आज है उसका नेक्स्ट डे। तो कल शाम को हम गए हुए थे डी मार्ट, आने में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो रात में कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो इस मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं डी मार्ट से क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। तो गाइस, सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये सारे सामान को मुझे अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक साथ इसे अभी यहाँ पे रख दिया है। तो गाइज, ये सब तो ग्रॉसरी शॉपिंग है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। तो जैसा कि देख सकते हो आप, ये पापड़ है, नमक है, चाय पत्ती वगैरह है, कुछ मसाले हैं और ये हैंड वॉश है जो कि आजकल बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर टाइड है, यहाँ पे कुछ मसाले हैं, अगरबत्ती है, यहाँ पे सोप्स हैं, काजू का पैकेट है, यहाँ पे है बेसन, ये कुछ पफ्स है जो मुझे अच्छे लगते हैं, यहाँ पे है कपूर, वो पैरासूट का ऑयल है, यहाँ पे परफ्यूम्स है, ये सोडे की बोतल है, यहाँ पे सोन पापड़ी का पैकेट है जो कि हमने दो ले लिया था। और गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो मैं हमेशा जॉय का ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो ये उपटन वाला तो हमने फर्स्ट टाइम लिया है, बट जॉय का मुझे सूट हो जाता है इसलिए मैं जॉय का ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे लिया है हमने थोड़ा सा पोहा और ऑयल है, सूजी है और ये छोटे छोटे पैकेट्स मैं सूप के ले लेती हूँ। हम ये सोयाबीन सफोला का यूज़ करते हैं तो ये दो पैकेट हमने सफोला के सोयाबीन्स लिए हैं। यहाँ पे लिया है मैंने मैक्रोनी। तो गाइज, ये तो पूरा है ग्रॉसरी आइटम्स, तो जनरली हर कोई डीमार्ट में तो ग्रॉसरी लेने ही जाता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मुझे ये ग्लास क्लीनर, तो गैलरी में भी जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्लास लगा हुआ है। और मेरे हस्बैंड परफ्यूम या डियो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये तो हमने फर्स्ट टाइम लिया है, हमेशा हम फॉग लेते हैं। तो ये है सीक्रेट टेम्पटेशन। गाइस, ग्रॉसरी शॉपिंग करने तो हर कोई डीमार्ट जाता ही है, बट उसके साथ भी हम अलग अलग चीज़ें लेते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कल डीमार्ट से क्या क्या लिया है। लिया है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिया है अपने लिए शॉर्ट्स
और मैं आपको उसका कलर दिखाती हूँ, इतना सुंदर है वो कलर, आपको बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो फर्स्ट तो ये है, आप देख सकते हो, ये कुछ ना लेमन कलर का है। जो मटेरियल है ना, वो शायद इसे होजरी बोलते हैं, होजरी कपड़ा, तो ये उसका है। और ऐसे कपड़े ना बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते। तो ये थोड़ा येलो लग रहा है, बट ये येलो नहीं है, ये ग्रीन कलर का है, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो फर्स्ट मैंने ये लिया है। सेकेंड, ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है, और सेकेंड शॉर्ट्स है मेरा ये, वाइट कलर का है, और इसका भी जो मटेरियल है ना वो सेम है, होजरी ही है। तो ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, तो मैंने ये लिया है। ये गाउन भी मिला, तो फिर मैंने वो भी ले लिया। तो आप देख सकते हो, ये भी होजरी कपड़े का है। तो गाइस, जनरली ना मेरे जितने भी मतलब गाउन्स वगैरह हैं या फिर नाइटी वगैरह है, तो मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि मैं होजरी की ही लूँ, क्योंकि मुझे होजरी का जो कपड़ा होता है ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो जनरली मेरे पास अधिकतर कपड़े ऐसे हैं जो इस मटेरियल के हैं। देख सकते हो, ये फर्स्ट कलर है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मेरे गाउन में पॉकेट है। तो फर्स्ट तो ये हो गया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये बहुत कंफर्टेबल होता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो नाइटी मैंने ली है ना, नाइटी गाउन जो भी बोलो आप, तो ये इस टाइप का है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, कोई यूनिक सा नहीं है। बट इसका भी कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे मेन, अभी डीमार्ट में जितने भी गाउन्स आए हैं ना, उसमें पॉकेट्स आई हुई है। मैं आप लोगों को रेट भी बता देती हूँ। तो ये जो मेरे जो शॉर्ट्स हैं, वो दोनों ही 149 के हैं, तो 150 में बहुत अच्छा लगा मुझे ये दोनों शॉर्ट्स। और जो गाउन है, तो गाउन भी है 169 का है इच, गाउन मेरे 170 के हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे रेट पे मिल गई है। लिया हुआ है एक बेल्ट, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से है, क्योंकि मेरे पास बेल्ट एक भी नहीं थी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बेल्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने ये वाला कलर ले लिया, क्योंकि ये लाइट भी नहीं है, डार्क भी नहीं है, तो मे बी यूज़ हो जाएगा। तो ये मैंने अपने लिए बेल्ट ली है, और ये सिर्फ 99 रुपीज़ का है। मैं जाने का ये फ़ायदा होता है ना कि जब भी हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं, या फिर हमें कुछ सामान याद भी नहीं आता है, तो वो सामने दिखने से हम ले लेते हैं। बट में अधिकतर सामान बाय वन गेट वन होता है, जो भी ग्रॉसरी शॉपिंग डीमार्ट से करते हैं उनको पता ही होगा, डीमार्ट जाने से अच्छा खासा बचत हो जाता है। गाइस, आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को मेरे डीमार्ट के की शॉपिंग कैसे लगी है। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेहरा ब्लॉग। बाय गाइज़।